नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। केएल राहुल ने क्रिकेटर की सर्जरी के लिए 31 लाख रुपए का दिया है दान। जी हां, आप सभी ने अक्सर केएल राहुल को महान बल्लेबाजी के रूप में और काफी शानदार प्लेयर के रूप में देखा होगा, लेकिन इस बार केएल राहुल ने दरियादिली दिखाई है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। ऐसा क्या किया है केएल राहुल ने जिसके बाद केएल राहुल की बहुत तारीफ हो रही है, जाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने एक 11 वर्षीय क्रिकेटर की सर्जरी के लिए 31 लाख रुपए दान में दिए हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है। सितंबर 2021 से मुंबई के एक स्कूली छात्र वरद का मुंबई के जसलोक अस्पताल में गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा है। दिसंबर में वरद के माता पिता सचिन नलवाड़े, एक बीमा एजेंट और गृहिणी स्वप्ना झा ने अपने बेटे के इलाज के लिए 35 लाख रुपए जुटाने के लिए गिव इंडिया पर एक अभियान शुरू किया था। वरद के बारे में पता चलते ही राहुल की टीम ने उनसे संपर्क किया। राहुल ने आवश्यक 35 लाख में से 31 लाख रुपए का दान दिया, जिसके बाद वरद का ऑपरेशन किया गया था और वो अब स्वस्थ हो रहे हैं। राहुल को एक विज्ञापित में कहा गया था, जब मुझे वरद की स्थिति के बारे में पता चला तो मेरी टीम ने गिव इंडिया से संपर्क किया ताकि हम उसकी हर तरह से मदद कर सके। मुझे खुशी है कि सर्जरी सफल रही और वो अच्छा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वरद जल्द ठीक हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरा योगदान अधिक से अधिक लोगों को आगे आने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करेगा। मुस्कुराते हुए वरद के बगल में बैठे उनकी मां स्वप्न झा ने हाथ जोड़कर कहा, वरद की सर्जरी के लिए इतनी बड़ी राशि दान करने के लिए हम केएल राहुल के आभारी हैं। हमारे बेटे के लिए इतने पैसे जुटाना असंभव होता और इतने समय में। राहुल धन्यवाद। तो राहुल की दरियादिली सामने आई है और राहुल ने 31 लाख रुपए का एक छोटे से बच्चे के लिए डोनेशन किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये दिखाता है कि केएल राहुल सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे क्रिकेटर ही नहीं है बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।